शिमला जिला के रामपुर थाने के ननखरी पंडाधार संपर्क मार्ग पर जो है शरण ठाक के साथ सड़क धंसने के कारण गाड़ी खड्ड में गिर गई है और इस दर्दनाक दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। शवों को खाई से निकालने का काम जारी है। आपको बता दें कि हिमकोफेड के पूर्व अध्यक्ष कौल सिंह नेगी ने दुर्घटना स्थल पर बताया कि बीती रात यह हादसा हुआ था। वाहन में 3 लोग सवार थे जो सड़क टूटने के कारण नीचे खाई में जा गिरे। उन्होंने बताया कि रामपुर क्षेत्र में भारी बारिश के बाद काफी स्थिति खराब हो चुकी है, सड़कें टूट चुकी हैं और इसी दौरान एक हादसा भी हो गया। इस हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज रनखड़ी क्षेत्र के पाणाधार के समीप एक दर्दनाक हादसा हुआ है। सड़क टूटने के कारण एक कार गई खारी में गिरी है, जिसमें 3 लोग थे। 2 लोग बनौला गांव से थे और एक दिनेवटा से थे। ऐसे तीनों की दर्दनाक मृत्यु हुई है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और शोकाग्रस्त परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे, इस प्रकार की ईश्वर से मैं कामना करता हूं। बरसात में भारी बरसात के कारण जिस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं, बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, बहुत से लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ रहा है, बहुत से लोगों का बाग बगीचों को बहुत सारा नुकसान हुआ है। इस तरह के मामले पिछले 10-15 दिन से लगातार अपने क्षेत्र में आ रहे हैं। मैं सरकार से भी प्रशासन से भी मांग करता हूं कि जिस इस प्रकार की जब घटनाएं आती है, सड़कें टूट रही है, ये हादसा भी सड़क टूटने के कारण हुआ है। आज जगह जगह सड़कें टूट रही है और प्रशासन इस प्रकार निगरानी रखते हुए इस प्रकार के हादसे आने वाले समय में ना हो, इस प्रकार की निगरानी करने की आवश्यकता है। और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे जो आज दर्दनाक हादसा हुआ उनको उचित मुआवजा समय पर मिले, इस प्रकार की मैं मांग सरकार से भी करता हूं। एक बहुत दर्दनाक हादसा हमारे क्षेत्र। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।